Shut up. I know who you came here to see. ओके सो आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट जगह से स्टार्ट हो रहा है, ड्राई क्लीनर की दुकान के सामने से, बिकॉज मेरी जैकेट ड्राई क्लीन होने गई थी, दिख रही है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी। एक्चुअली क्या हुआ था, लैंस डाउन से पहले मैंने अपनी जैकेट साफ़ नहीं करवाई थी, फिर लैंस डाउन में और भी ज़्यादा गंदी हो गई, तो इन्हीं के पास पड़ी थी दिनों से, 10 तारीख को लेनी थी लेकिन टाइम कहीं नहीं मिला। सो बात करें आज की राइड की, आज की राइड ज़्यादा दूर की नहीं है, XBHP तक की है, शेर पंजाब ढाबा तक, बिकॉज मेरी वहाँ पर एक मीटिंग है तो बस उधर तक जाएंगे और कहीं जाना नहीं है दूर। एक्चुअली क्या है, मीटिंग है, जाना ज़रूरी है, संडे स्पॉइल करना पड़ेगा और राइड भी करनी थी, एक हफ्ता हो गया। या ना मज़ा, पेट्रोल भी डलवाना है। लुक एट दी क्लाउड, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, क्लाउड कितने प्यारे लग रहे हैं, ओ माई गॉड। मेरे को अभी अभी बाइक का पता चला है कि मेरे को आगे के ब्रेक शू चेंज करवाने की जरूरत आन पड़ी है, बहुत जल्दी करवाएंगे। वड्डी बिल्ली खींच दी, ये मजा आ रहा है, मतलब मौसम जो है ना वो कतई जहर है, मतलब मज़ा आ गया। ऊपर क्लाउड है, सन है, थोड़ी ठंडी हवा हिट कर रही है, तो यार इट्स अ क्वाइट गुड मौसम। तो अभी क्या सीन हुआ, वो जो लेफ्ट साइड में बाइकर खड़ा है ना, उसने बिल्कुल मेरे सामने से कट मारा, मेरा ईगो हर्ट हो गया। सॉरी बड़ी, ईगो हर्ट नहीं करने का, चाहे जो करने का। पता क्या होता, जब आप एक बाइकर का, जब वो बाइकर किसी से पंगे नहीं ले रहा हो और कोई उसका ईगो हर्ट करके जाता ना, तब बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि मैं, अरे अंकल आंटी, क्योंकि मैं शांति से खड़ा था रेड लाइट पे और बंदा आया आगे से रेप करके निकल रहा है, मैंने कहा ठीक है ओके, तो ठीक है भाई, टोरा है भाई का एग्जॉस्ट लगा रखा, भाई ने तो दिखाएगा, हम भी दिखाते हैं। नहीं जब उसने कट करा ना, ओ भाई साहब, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रिकॉर्ड हुआ है ना ये, मेरे को नहीं पता, मैंने चेक नहीं करी फुटेज, जो भी था बड़ा मस्त सीन था। रोक लिया, रोक लिया, एग्जॉस्ट की वजह से पुलिस वालों ने रोक लिया। और लगाओ रेस। अच्छा पुलिस वाले रोक रहे थे बट वो भाग गया, तो क्या सीन हुआ कि जब वो मुड़ा तो मतलब भैया ने अभी मेरे को इशारों में बताया, फिर मैं समझा, जब वो मुड़ा तो पुलिस वाले उसको रोक रहे थे बट वो भाग गया, क्योंकि पुलिस वालों को लगा अभी तो रेड लाइट पर खड़ा था, अब मुड़ गया, ये क्या कर रहा है। मजा आता है ऐसी राइडों में, छोटी छोटी राइडों में भी एडवेंचर लगता है। ओह यार राघव कटिंग करते हुए चला रहा पूरी की पूरी, अब मन है यार थोड़ा जॉयफुल वाला मन है, एक तो 1 लाख हो गए उसकी खुशी, पता नहीं 1 हफ्ता हो गया पूरा, पता नहीं कब तक चलेगी, बट बहुत अंदर से एक्साइटमेंट है अभी भी, क्योंकि वो सिल्वर प्ले बटन अभी तक घर पर अराइव नहीं हुआ है ना, अभी तक साले यूट्यूब वालों ने मेल भी नहीं करा। हाँ देखते क्या होता है, कब तक आता है, मतलब एक्साइटमेंट बहुत जगह बढ़ी है, ओह बट जो भी करो सेव करो, मम्मी पापा का ध्यान रख के करो। विदाउट इंडिकेटर, शट अप, विदाउट इंडिकेटर काट रही है पूरा का पूरा, अलग आइटम। फिर एडवेंचर फायदा हो रहा है भाई राइड में आने का, तो ये खाना खाएंगे, मैंने लिटरली दाल चावल खाया सुबह से, और मैंने हार्डकोर जिम भी करा, जो कल की वीडियो में आपको देखा
और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ दाल चावल, और कितने दाल चावल होंगे वो मेरी डाइट के लिए पूरे भी नहीं हुए, लेकिन लग रही है भाई बहुत तगड़ी वाली भूख। पनीर पराठे मेरे को बुला रहे हैं, और भी कुछ खाएंगे। ओह मेरा पानी भर गया मुँह में। ओके सो चाय खत्म करिए हमें, और चाय पे चाय मार रहे, मेरी तीसरी चाय थी, इसके आने से पहले भी चाय पी थी। यार इधर आप रहे अंशु, एक मेन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एज अ बाइकर मेरे को आता है, RS 200 कैसी बाइक है? ही इज़ अ RS 200 राइडर, कैसी बाइक है? एक्चुअल में बाइक काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर डिलीवरी अराउंड 5000 RPM के बाद बहुत प्यारी है। एंड अगर नहीं, अगर प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ आती है बाइक, प्रॉब्लम्स में देखे वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मैंने एक बार देखी थी जब मेरे ग्रुप में, जब मैं ग्रुप राइड करता था तब मेरे ग्रुप में RS 200 बहुत सारी थी, लेकिन वो ओवर हीटेड होती थी और उनमें से कूलेंट निकलता है। नहीं अब नहीं होता वो, पहले होता था, पहले की आर एस में दो तीन की मैंने सुना प्रॉब्लम थी, बट अब कुछ पैसा नहीं है। सर्विस सेंटर में गए थे लोग, उन लोगों ने मतलब सर्विस सेंटर ने ठीक करके दिए, तब से मेरे को कोई प्रॉब्लम किसी ने कुछ बताई नहीं। मेरी आर एस का भी ऐसा कुछ नहीं है, अभी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी आर एस का कूलेंट नहीं गिरा है, बाइक की पूरी फेयरिंग चली गई थी और बाइक का कूलेंट नहीं निकला। नहीं वो मेरा कहने का मतलब ओवर हीटिंग, कूलेंट बाहर फेंकती है, ठंड नहीं, कूलेंट बाहर नहीं फेंकती पर हीटिंग जो होती है। आई थिंक इस तेरे कौन से 2018 मॉडल है? 17 तो 16 में था, हाँ मेरे ख्याल से 16 में था, हाँ रेड और हाँ और येलो उनमें था। अब ये जो तेरी ब्लैक है और कौन सी है? ग्रेफाइट ब्लैक है। और कौन सी आ रही है? एक रेसिंग रेड हो गई और एक ब्लू और वाइट है। ब्लू और वाइट, तो इनमें प्रॉब्लम नहीं है जहाँ तक भाई बता रहा है, बिकॉज इस सीसी इस सेगमेंट के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, क्वेश्चन आते हैं कि क्या है, तो मैंने सोचा ऑनर से पूछ लूँ कि कैसी बाइक है। तो बढ़िया ले लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, ट्रस्ट वर्थी है, धोखा नहीं देती कहीं बीच में। अब बजाज का ट्रस्ट तो आपको वैसे मिलता है, तो अभी कुछ और खाते हैं यहाँ पे और फिर क्या करेंगे, फिर और क्या करेंगे, बैठेंगे चिल मारेंगे निकल जाएंगे मुसाफिर हम तो निकलते। ओके सो प्रियांशु बाय, इट्स टाइम टू गो होम बिकॉज बिग बॉस आने वाला होगा। बस अच्छी सी राइड चाहिए थी यार, शाम को बस मिल गई चाय, मिल 3 कप चाय पी ली मैंने, नहीं चार कप चाय पी ली, और एक पनीर पराठा है एज ऑलवेज अपना प्यार, मतलब वो उच्चेड़ मस्त है, उसकी तलब मस्त है यार। कुछ भी कर लो रिलैक्स होने के लिए राइडिंग से बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मैंने हर पैतरा आजमा लिया, एक तो ड्राइव, जब एक तो रोड खाली हो तब गाड़ी में ड्राइव, साथ में तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक, एंड राइड, राइड तो कहीं पे भी जाम में भी चलेगी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इतना फन होता है, तो आई लव टू राइड या मतलब अलोन राइड का भी अलग ही मज़ा है, ग्रुप राइड का भी मज़ा है, कई लोगों को ग्रुप राइड में मज़ा आता है, मेरे को अलोन राइड में मज़ा आता है, बिकॉज लाइफ है, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है भाई। आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है ना सबके सर में, स्टूडेंट के पास ये स्ट्रेस है कि आगे कैसे बढ़े ये सब, मेरे पास ये स्ट्रेस है कि कल का कॉन्टेंट बनाना, परसों क्या बनाना है, और पर्सनल लाइफ का भी थोड़ा है, तो चलता रहता है लाइफ, ऐसी है अप डाउन आते रहते हैं, बट यू हैव टू फेस इट। ये मैं ज्ञान बाबा क्यों बन जाता हूँ बार बार, मेरे को आज तक ये बात मेरे को खुद की समझ में नहीं आई, अच्छी खासी बात करते करते ज्ञान देने लग जाता हूँ। चलो भगवान बाली हमारा, राइड करते हुए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी खाली रोड मिल जा रहा मज़ा आ जाता है, और खाली मतलब VIP रोड चाहिए, हाँ मतलब CP के एरिया को VIP रोड बोलते हैं अपन, तो ये जब खाली मिलता है ना बड़ी खुशी होती है, बिकॉज एक तो साफ सुथरी और तगड़ी रोड, ऊपर से खाली मिल जाए तो सोने पे सुहागा। हमारा इंडियन फ्लैग जो कि मतलब लहरा नहीं रहा, बिकॉज आज हवा इतनी तेज नहीं है दिल्ली में, और हाँ यही हमारी सीपी, प्यारी प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी सीपी। भाई साहब कैसा लगा टाइम लैप्स, दैट्स व्हाई आई लव सोनी, कि भाई साहब जो फीचर ये प्रोवाइड करता है ना इस प्राइस रेंज में,
वो नेक्स्ट लेवल है यार। यार लिटरली मेरे को ना ये बहुत ही प्यारा लगता है। टाइम सही बता रहा है क्या ये? हाँ टाइम भी सही बता रहा है, बहुत प्यारा लगता है यार ये। और इसके ऊपर से जब रेल जाती है तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। लाइटें बहुत ही ज्यादा प्यारी लगाई हैं। सो जो मैंने वीडियो डाली थी नॉन ISI वर्सेस ISI हेलमेट, ये गौर से देख लो, दोनों तीनों ने हेलमेट पहन रखा है, तीनों ट्रिपलिंग पे है। बाइक उससे संभाल ही नहीं जा रही मेरे ख्याल से, पी रखी है। और नॉन ISI मार्क वाले हेलमेट, इसलिए वीडियो बनाई थी मैंने। टच हुआ ओ भाई, घर पे चलान घर पे चलान पक्का आएगा यार अब ऊपर कैमरे लगे तो हम कल लोहड़ी है बाय द वे, लोहड़ी बनानी है कल, लकड़ियां लेके आऊंगा सुबह सुबह गाड़ी में और मस्त सी लोहड़ी बनाएंगे, बिकॉज इट इज माई फेवरेट त्योहार। और आज से ठीक एक साल पहले लोहड़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी लोहड़ी। और आज से यार यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का सीन नहीं है, इसलिए आगे खड़ो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये अंकल ऑटो वाले पहले ही आगे आ गए थे तो मेरे को आगे लेनी पड़ी। लोहड़ी मेरा फेवरेट त्यौहार है। और आज से ठीक एक साल पहले 60,000 हुए थे भाई साहब, ये 40,000 करने में जो फटी है ना मेरी, वो नेक्स्ट लेवल वाली फटी है, बट ऑल वर्थ इट। आज 1,00,000 पे खड़े हैं, अगले साल 2,00,000 हो भगवान करे। सो गाइस व्लॉग करते मतलब व्लॉग कर रहा था मेरे घर के पास, मेरे को बहुत ही प्यारा मेरा आर्मी गैंग मेंबर मिले, आपका नाम क्या है? तुषार। तो बहुत अच्छी वीडियो शूट करी है जो इनके चैनल पे आएगी, नाम रेसिंग ऑन व्हील्स। सब्सक्राइब तब भी करना अगर अच्छा कंटेंट है, मैं वैसे प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन भाई मिला है बोल रहा है ठीक है, लेकिन तब ही करना वरना मत करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो काफी जने ने सवाल उठाते तू एक अच्छा दोस्त नहीं है इसलिए तेरे साथ कोई नहीं रहता। देखो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक ब्लॉग बनाया था मैंने, दिस थिंग रिमाइंड्स मी माई एक्स गर्लफ्रेंड। उसमें सबने देखा था कि मेरे जेब में 10 रुपये नहीं थे और मैं घर नहीं जा पाया था, मैं पैदल गया था यार, मैं अपने भाई को बचाना। बस भाई बिल्कुल सही बात बोली इसने, आज भाई को बचा रहे हो फालतू ने, ठीक है बैड भाई, आज तेरे को आज तेरा भाई तेरे को घर छोड़ेगा, चल भाग करके चल। ओके वैसे घर पे बटर चिकन फिर भी खाएंगे।